जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। फोर्स कंटिन्यू कर देते हैं आपका पार्ट 7 8, 9, 10 सब के लिए। आज तो आप सोच रहे होइएगा कि न्यूमेरिकल होगा, होगा, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट है आगे पीछे का, उसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक, उसमें भी कुछ छूटा हुआ था, जैसे बोले थे एप्लीकेशन वाला, न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन तो लेना है, उतना जो पढ़े तो डेली का डेली आपको क्या फायदा हो रहा है वो तो जानना जरूरी है आपको। एक दो एग्जांपल बताए थे और दो चार एग्जांपल देके पहले उसको क्लियर किया जाए। सबसे पहला एग्जांपल क्या था कि यदि आप कैच लेते थे ना, तो टाइम बढ़ाते थे। क्यों, इस बात पर भी तो सोचिए, ऐसा क्यों? अब सोचिए, F इज इक्वल टू क्या था, MA, अब मोमेंटम के हिसाब से आप क्या निकाल लेते हैं, MV-MU/T निकाले थे। F इज इक्वल टू MV-MU/T, तो F इज इक्वल टू क्या था, MV-MU/T, MV-MU चेंज इन मोमेंटम बाय टी, नहीं तो चेंज इन मोमेंटम, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा, तो क्या बचा, F इज इक्वल टू 1 बाय टी, इसका मतलब हुआ कि F और T में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन है, F प्रोपोर्शनल क्या 1 बाय टी, यानी F और T में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या कि T जितना ज्यादा होगा F उतना कम होगा, नहीं, T जितना ज्यादा होगा F उतना कम होगा, यानी टाइम जितना ज्यादा बढ़ाइएगा तो फोर्स उतना कम लगेगा। क्या जैसे देखता होगा कि पार्थ बैठा हुआ है, अब पार्थ को एक झप्पा मारे, पार्थ क्या करता है, पहले ही झुक जाता है, झुक जाता है ना, पहले ही झुक, जैसे हम लोगों को बच्चा में जब हम लोग सर्दी से छड़ी खाते थे तो सर्दी यहाँ छड़ी मारे, हम लोग क्या कर लेते, हाथ को नीचा कर लेते थे, हाथ को नीचे कर लिए, इसका मतलब क्या, टाइम बढ़ गया तो चोट कम लगा। क्या सोकर क्या करता है, गाड़ी का सोकर या साइकिल का सोकर या चार चक्का का सोकर या ट्रेन का सोकर क्या करता है, या एरोप्लेन का सोकर, टाइम को बढ़ा देता है। तो टाइम ज्यादा हुआ, टाइम जैसे गाड़ी है तो अर्थ से जमीन पर से क्या और आपके बॉडी तक का टाइम क्या बढ़ा देता है, तो टाइम बढ़ा, उससे क्या होगा, फोर्स कम, आपको कम जर्क मिलता है। ठीक है, इस प्रकार का बहुत सारा एग्जांपल है, हम मान लीजिए दो चार एग्जांपल देते हैं आपको, और जैसे कोई एग्जांपल है, कैचिंग बॉल, बॉल वाला बता दिए हैं आपको, बॉल कैच करने के लिए क्या करता है, हाँ, एक है एथलीट सब जो हाई जंप करता है, नहीं तो हाई जंप यदि आप कीजिएगा और जहां आप गिरते हैं, जहां वह कूद के आता है, उस जगह पर या तो बालू रहता है या स्पंज डाला रहता है, क्यों, तो मान लीजिए यहां पर उसको गिरना है, ठीक है, और ये हार्ड सरफेस है, ये सरफेस यदि हार्ड रहता तो आगे यहां गिर जाता, और यदि यह बालू है, ठीक है, यदि यह बालू है, ठीक है, क्या धसा, यानी क्या टाइम ज्यादा हुआ तो क्या हुआ, फोर्स कम, यानी चोट कम लगा, समझ गए बात, यही है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन। दूसरा बात, आप देखते हुए घर में, अब आइए दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई कांच का बर्तन है, शीशा का बर्तन है, आप देखते हुएगा कि मिट्टी पर जब गिरता होगा तो नहीं फूटता हो, और प्लास्टर पर जब गिरता होगा तो तुरंत फूट जाता है, क्यों, मिट्टी पर जो गिरा क्या तो थोड़ा सा धंसेगा,
नहीं तो थोड़ा सा ढांसा, यानी टाइम क्या होगा ज्यादा हो गया, फोर्स क्या होगा कम होगा, तो वह बच जाएगा। प्लास्टर पर ऐसा नहीं होना, टाइल्स पर ऐसा नहीं होना, मार्बल पर ऐसा नहीं होना है। टाइम तो नहीं बढ़ा, टाइम नहीं बढ़ा, फोर्स जस का तस, चोट उतना ही, चकनाचूर हो जाना क्या। तो ये सब एप्लीकेशन था किसका, न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन का। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल है, और कुछ एग्जाम्पल। हाँ, एक एग्जाम्पल अच्छा है जिससे मेरा आगे का काम भी आसान होगा। कराटा वाला देखते हो, चार को पांच को ईटा रखता है, मारता है एक बार, पांचों ईटा को एक बार में तोड़ देता है। देखते होइएगा कि फोर्स लाया और बहुत जल्दी उस पर प्रहार करता है, बहुत जल्दी प्रहार करेगा, यानी फोर्स एक तो ज्यादा, उसके बाद क्या बहुत जल्दी प्रहार करेगा, यानी बहुत कम टाइम के लिए उसको छुएगा। ठीक है, और इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं आपको कि यदि जल्दी प्रहार करेगा, बहुत जल्दी स्ट्रक करता है उस पर, हाँ, जब तक दूसरा पार्टिकल उसको बचाने आएगा तब तक तो टूट गया रहेगा, जैसे शीशा वाला में होता था ना। ठीक, तो यहां से हम एक चीज आपको निकालना चाह रहे हैं कि ज्यादा फोर्स कम समय के लिए, ज्यादा फोर्स और कम समय के लिए, इस पॉइंट को याद रखिए, बाद में इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या ज्यादा फोर्स मतलब हाई फोर्स और क्या कम टाइम के लिए, इससे भी एक अलग चीज निकलेगा, इसलिए बता। हो गया यहां पर। अब हम आ जाते हैं, पीछे में आपको एक जगह छोड़े थे हम, ग्रेविटेशनल यूनिट छोड़े थे, किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स, ग्राम वेट या ग्राम फोर्स, एक एसआई यूनिट था और दूसरा सीजीएस यूनिट था। तो किलोग्राम वेट बराबर कितना, तो जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, ठीक, तो 9.8 न्यूटन क्या हो जाएगा, कि 1 किलोग्राम वेट इक्वल टू 9.8 न्यूटन। और उसी को जब हम सीजीएस में लेते हैं तो किलोग्राम को सिर्फ ग्राम बनाना है, नहीं तो 980, ठीक है, 980 हो जाएगा। ठीक, दो चीज आ गया, एक क्या आया आपका 9.8 न्यूटन किसके लिए, एसआई के लिए, और 980 किसके लिए आ गया, सीजीएस के लिए। सीजीएस में क्या है, डाइन, ठीक है, तो 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन या 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन। ठीक, एक चीज हो गया। अब आ जाइए इसमें, हमको एक चीज और आप जोड़ लीजिए, फिजिक्स है तो पार्ट 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 जुड़ता चला जाता है। जैसे आपको बताए थे कि एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, एक चीज बताए थे, दूसरा बताए थे कि उसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ले लीजिए, नहीं, और तीसरा एक पॉइंट और हम कहते हैं जोड़ लीजिए अभी से, डायमेंशन, डायमेंशनल फॉर्मूला, यह एमएलटी पर आप लोग अभी एमएलटी पर निकालिए, एमएलटी, कैपिटल एम, कैपिटल एल, कैपिटल टी, कैपिटल एम मास के लिए, कैपिटल एल लेंथ के लिए, कैपिटल टी टाइम के लिए। ठीक है, जैसे मान लो कहीं पर मीटर स्क्वायर है तो एल का पावर 2 हो जाएगा, मीटर क्यू है तो एल का पावर क्या होगा, 3 होगा, यही है डायमेंशन, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सिंपल एक देख लो, हमको फोर्स का ही निकालना है, फोर्स का डायमेंशन निकालना है, ठीक, तो फोर्स बराबर होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन जो है ये क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यदि हमको डायमेंशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, पहले एम एल टी लिख दिए, मास कितना, किलोग्राम कितना, 1, तो 1, एल माने क्या, लेंथ माने क्या, मीटर ई वी 1, और टाइम क्या है, पर सेकेंड स्क्वायर यानी बाय ना, इसीलिए टी का पावर
माइनस टू, यही मेरा हो गया डायमेंशन। इसको भी जोड़ते चलिए, नहीं किस टाइप का क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, उसके बाद एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, उसके बाद एक पॉइंट और आपको आगे क्या डायमेंशन का। ठीक, अब आ जाइए आगे। अब हमको एक जोड़ना है आपके लिए पॉइंट कि हाँ, अभी जस्ट बोले हैं आपको, क्या बोले हैं कि फोर्स लगा, जोरदार फोर्स लगा, बहुत कम समय के लिए लगा, जोरदार फोर्स लगा बहुत कम समय के लिए लगा। जैसे इसको कैसे समझेगा कि घर में या अपने दोस्त महीम में या क्लास में एक वर्ड का यूज होता होगा, आवेश। एक हिसाब से केमिस्ट्री में समझते हैं चार्ज, सही बात है चार्ज, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, बहुत दुखी हो जाना या बहुत खुश हो जाना, ये ना पॉजिटिव या नेगेटिव, आवेश, आवेशित। नहीं कह रहे आवेश में आके ईसा बोल दिया, सुना है घर में, आवेश में आके ईसा बोल दिया, यानी गुस्सा में आके ईसा बोल दिया, उसके बाद तुरंत शांत हो गया, नहीं गुस्सा में ऐसा बोल दिया या गुस्सा में आके ऐसा कर दिया, उसके बाद तो शांत हो गया, यानी कुछ समय के लिए वह बात हुई। गुस्सा, बहुत तेज गुस्सा आया, बहुत ज्यादा फोर्स है, लेकिन टाइम कम है, ठीक है, आवेश नहीं। इसी में, इसी को फिजिक्स के टर्म में कहा जाता है आवेग, क्या बोलते हैं इसका हिंदी मीनिंग होता है आवेग, और उसी को बोलते हैं इंग्लिश में इंपल्स, समझा बात। जैसे मोमेंटम था संवेग, उसी प्रकार से एक नया वर्ड आया इंपल्स, माने क्या आवेग, ठीक है, किससे जुड़ा आवेश से, माने क्या गुस्सा से, यानी क्या कम टाइम के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आया, ठीक। तो इंपल्स इज इक्वल टू क्या फोर्स इनटू टाइम, नहीं हो गया इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए लगा, इसी को बोलते हैं हम लोग इंपल्स, जो कि कराटा में आपको बताए थे, कहते हैं ना कराटा वाला में से निकल जाएगा ये चीज, एक इंपल्स नया चीज निकल गया आपको क्वांटिटी। तो इंपल्स जो है किस टाइप का क्वांटिटी है वो आप जानते हैं, इसका एसआई यूनिट क्या होगा इंपल्स का, सीजीएस यूनिट क्या होगा, ठीक। तो इंपल्स बराबर हुआ क्या भाई, इंपल्स बराबर हुआ आई एम पी यू एल एस ई एफ इंटू टी, ये ना हुआ फोर्स इंटू टाइम, इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। तो फोर्स इंटू टाइम जब हो गया तो फोर्स का यूनिट क्या न्यूटन, और टाइम का यूनिट क्या सेकेंड, ठीक है, ये किसमें हुआ एसआई में, और सीजीएस में क्या हो जाएगा टाइम इंटू सेकेंड, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि इससे कुछ निकालें, कपड़ कहाँ गया मेरा, क्या निकालना हम चाह रहे हैं, सो देखो एफ टी लिखे हैं ना, एफ इंटू टी, एफ इज इक्वल टू क्या, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू टी, यानी इंपल्स इज इक्वल टू मैट, मैट माने एम ए टी, मैट नहीं कहो एम ए टी, यानी एम इंटू ए इंटू टी ना मैट। अब आ जाओ एम, ठीक है, ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे वी माइनस यू बाई टी, ए इज इक्वल टू हम लिख दिए वी माइनस यू बाई टी, इंटू टी यहाँ था ही पहले से ऊपर में, तो टी और टी कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एम वी माइनस क्या एम यू, और एम वी माइनस एम यू क्या हुआ चेंज इन मोमेंटम, ये क्या हो गया चेंज इन मोमेंटम, नहीं हो गया, यानी चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, हो गया चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, हो गया। फैक्टर क्वांटिटी है, ठीक, एसआई सीजीएस यूनिट में इसका यूनिट निकाल दीजिएगा, और डायमेंशन क्या लिखिएगा, क्या एफ टी
डायमेंशन यदि इसका निकालना होगा तो क्या निकालिएगा, एफ टी। एफ का मतलब क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, माने क्या सेकेंड, तो क्या आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड स्क्वायर जो है, सेकेंड स्क्वायर नीचे एस ऊपर एक कट गया, एक बचा, इसका डायमेंशन क्या दिखाएगा, किलोग्राम यानी क्या एम, मीटर माने क्या एल, टी का पावर क्या माइनस वन, टी का पावर क्या माइनस वन, ये हो गया आपका इंपल्स का डायमेंशन, हो गया। ये सब चीज कितना टाइम हो गया, ये सब चीज मेरा पीछे का छूटा हुआ था थोड़ा थोड़ा पॉइंट, वो हो गया। पीछे वाला कहता है आपको बनाने के लिए, वो आप बना लिए भैया। अब हम आ जाते हैं कि न्यूमेरिकल पर, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना होगा, नहीं हर चीज के लिए हर पोजीशन चाहिए ना कि नहीं चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज आपके पास रहना चाहिए किसी भी न्यूमेरिकल के लिए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, मैथ का रहे, चाहे केमिस्ट्री का रहे, चाहे किसी भी ज्योग्राफी का रहे, ज्योग्राफी में भी न्यूमेरिकल आता है, किसी का इकोनॉमिक्स का रहे, तो आपको क्या क्या करना हो। सबसे पहली बात इसमें देखा जाता है न्यूमेरिकल में कि जो क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है उसको आप एक बार दो बार पढ़ लीजिए, तीनों बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप यह सोचिए फिजिक्स के बारे में कम से कम कि वह आपके सामने में घटना हो रही है, वो घटना जो हो रही है वो आपके सामने में हो रही है, इमेजिन कर लिए, ठीक। यदि कुछ उसमें ड्राइंग करने की जरूरत पड़े, ठीक है, तो ड्राइंग भी कर दीजिए। दो बात, तीसरा बात, अब देखिए कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, ठीक, और क्या निकालना है, तब आप देखिए कि इसमें किस किस फॉर्मूला का यूज होगा, कहीं कहीं एक फॉर्मूला से भी बन जाएगा, कहीं दो फॉर्मूला का काम होगा, कहीं तीन तीन फॉर्मूला का यूज होगा, नहीं ये काम। उसके बाद वाला पॉइंट आपको यह देखना है कि क्या सबका यूनिट सेम है, यूनिट सेम का मतलब क्या कि एक ही एसआई में है या सीजीएस में है, एक ही सिस्टम में है, यदि नहीं है तो आप उसको पहले सेम सिस्टम में लाइए। जैसे रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेम यूनिट खोजते हैं कि नहीं खोजते हैं, तो वैसे ही सेम यूनिट में ले आइए, ठीक है। कितना पॉइंट हुआ, चार। और पांचवा पॉइंट है कि हर पार्ट में कैलकुलेशन मत कीजिए, उससे आपका टाइम जाएगा, क्या क्या घाटा है सोचिए, उससे आपका एक तो टाइम जाएगा कि चार जगह हमको कैलकुलेशन करना है, तब पांचवा जगह फिर कैलकुलेशन करना है, पांच बार टाइम किया नहीं, इसलिए कैलकुलेशन हर जगह नहीं किया जाता है, एक बार कीजिए, लास्ट में कीजिए, ठीक। अब कहिएगा दूसरा फायदा इससे क्या है कि मान लीजिए आपको रिवाइज करना है गलती या सही, तो एक ही जगह ना कैलकुलेशन को आप देखिएगा, चार जगह यदि प्रोबेबिलिटी है पांच जगह में तो क्या होगा, ज्यादा जगह मिस्टेक होने का चांस रहेगा, यहाँ तो एक ही जगह है, एक ही जगह हमको देखना है। इन पांचों पॉइंट को ध्यान में रखना होगा आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले, ठीक है। अब हम थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा न्यूमेरिकल का शुरुआत कर देते हैं कि हर फॉर्मूला का यूज हो जाए, नहीं एक फॉर्मूला आपका और बढ़ गया, आप एफ इजिकल टू आई टी, ठीक है, इससे जो कि क्या हुआ, क्या था इंपल्सिव फोर्स, माने क्या इंपल्स आई इजिकल टू क्या एफ टी, यानी क्या चेंज इन मोमेंटम, सारा फॉर्मूला को आप एक जगह कर दीजिए, क्या है फॉर्मूला बताते जाते हैं उस पर क्वेश्चन आते जाएगा, जैसे एक क्वेश्चन इंपल्स हम लोग पढ़े हैं तो उसी से एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक। अच्छा एक पॉइंट और है, एक पॉइंट और कंफ्यूजन वाला दे देता है कभी कभी, क्या उसको भी देख ही लीजिए, न्यूमेरिकल में बच्चा उसमें भी फंस जाता है, जैसे कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है कि 5 किलोग्राम वेट ना, कंफ्यूजन वाला बात है, 5 kg वेट या 5 kg फोर्स, या लिखा रहता है 5 kg फोर्स,
ठीक, इसका मतलब क्या जानते हैं? इसमें जी आ गया, क्या आ गया? जी, 5 किलोग्राम वेट या 5 किलोग्राम फोर्स जब कहेगा इसमें क्या आ जाएगा मेरा? जी आ जाएगा। इसका मतलब हो गया 5 × g इतना न्यूटन, और जी कितना? 9.8 या 10 जो भी दिया रहेगा, तो हम यहाँ सुविधा के लिए 10 ले लेते हैं, यानी 50 न्यूटन। ये सब चीज न्यूमेरिकल में जितना सारा बता है सब न्यूमेरिकल बनाने से पहले का चीज है, ये सब चीज आपका तैयार रहे तब आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। अब कुछ शुरुआत कर दिया जाए क्या? जैसे आज पहला जो पढ़े हैं उसी से ले लीजिए कि इंपल्स के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला से क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है कि एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 meters per second and is hit by a bat so that it turns back. And moves with a velocity moves with a velocity 20 meters per second find impulse and force x for 0.01 second, ठीक है? अब क्या बोले हुए न्यूमेरिकल बनाने से पहले? एक ही समझाना है, न्यूमेरिकल का शुरुआत हो जाए। सबसे पहले बोले कि क्वेश्चन को पढ़ो, एक से दो बार पढ़ो। जैसे इसी को हम पढ़े, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज हिट बाय अ बैट्समैन सो दैट इट टर्न्स बैक एंड मूव्स विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड देन फाइंड इंपल्स एंड फोर्स एक्ट्स फॉर 0.01 सेकेंड। तुरंत दिमाग में आ गया, इधर से हम बॉलिंग किए, कोई बैट्समैन उसे तेजी से इधर मार दिया मेरे तरफ, ठीक। तो हमको क्या निकालना है? इंपल्स निकालना है और क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। इंपल्स क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम, नहीं क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम। और फोर्स क्या हुआ? मास इंटू एक्सेलरेशन, ये न कहते। अब है दिमाग में ही खाका आ गया, ड्रॉइंग आ गया, ये चीज है, ये सिचुएशन है। अब इसमें हमको देखना है कि यूनिट का क्या हाल है, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ये भी सेकेंड में है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक ही सिस्टम में है सारा क्या। चलिए अब हम आते हैं इसमें कौन कौन फॉर्मूला हमको चाहिए। तो इंपल्स बराबर क्या? चेंज इन वेलोसिटी, अति चेंज इन वेलोसिटी यानी क्या? एम वी माइनस क्या? एम यू। आपको क्या चाहिए? एम वी माइनस एम यू, या एम कॉमन ले लीजिए और वी माइनस यू कर दीजिए। क्या एम यदि हम कॉमन ले लेते हैं और वी माइनस यू कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? और एक चीज और देखना होगा आपको, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी इधर से दिया ठीक है और फाइनल उधर से आया, ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस 10, यानी u क्या हो जाएगा मेरा?
-10 मीटर पर सेकेंड, वी क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। एम बराबर एम तो मेरे पास है, एम कितना है 100 ग्राम, तो क्या हो जाएगा मास कितना है मेरे पास, कितना मास है, मास कहाँ गया जी, ठीक है, हाँ 100 ग्राम, ठीक है, यह मीटर पर सेकेंड में, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा, केजी में रहना पड़ेगा, नहीं यानी 100 ग्राम को हमको बना देना होगा केजी, तो क्या करेंगे 100 by 1000 यानी क्या 1/10 यानी 0.1 kg, यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1 kg। वी माइनस यू, वी कितना है 20, माइनस यू तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी क्या 0.1 kg × 30 m/s यानी कितना हो जाएगा 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ई आपका हुआ इंपल्स, इसको क्या बोलिएगा आप, इंपल्स बोलिएगा, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा चीज क्या निकालना था, फोर्स, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आप एक्सेलरेशन निकाल के भी कर सकते हैं, नहीं या दूसरा आपके पास और ना है, फोर्स इज इक्वल टू क्या चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, चेंज क्योंकि वो आपके पास है अभी, चेंज इन मोमेंटम बाय क्या टाइम, चेंज इन मोमेंटम आप कितना निकाले हुए हैं, चेंज इन मोमेंटम निकाले हुए हैं आप 3, नहीं अब बाय टाइम कितना दिया आपको 0.01 सेकेंड, क्या चेंज इन मोमेंटम जो है आपका, अब काट दीजिए डेसिमल गया तो बोलो कितना होगा 00 यानी 300, आप फोर्स का यूनिट क्या होगा न्यूटन, ये आपका इंपल्स भी निकल गया और क्या निकल गया फोर्स भी निकल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन इंपल्स से रिलेटेड था, एक क्वेश्चन और बता दिया जाए, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, क्या लिया जाए भाई, बच्चा सब के लिए कोई इजी क्वेश्चन लिया जाए के है, इजी क्वेश्चन है आपके लिए, क्रिकेट बॉल से लो, एक क्रिकेट बॉल ऑफ मास 70 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी 0.5 meter per second is stopped by a player in 0.5 seconds, what is the force applied by the player to stop the ball? Okay? Force is constant. Assume किया गया force क्या है constant. फिर rule उसी को अपनाइएगा, क्या पहले एक बार दोबार पढ़ लीजिए, बॉल ऑफ मास 70 ग्राम विद मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 0.5 meter per second स्टॉप्ड बाय अ प्लेयर इन 0.5 सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल, हो गया दिमाग में रख लीजिए कि यहाँ से हम थ्रो फेंके क्या और उधर विकेट कीपर क्या किया,
पकड़ा, पकड़ने में कितना समय लगा? 0.5 सेकेंड। आपका वेलोसिटी क्या था? 0.5 मीटर पर सेकेंड। आप बॉल का मास कितना है? 70 ग्राम। और निकालना क्या है कि फोर्स कितना लगा है? सारा चीज दिमाग में आ गया, ठीक। और दूसरा काम क्या देखना है हमको? सिस्टम एक ही है कि नहीं, नहीं है तो उसको एक सिस्टम में ले आएंगे, ठीक है। तब हम देखेंगे हमको निकालना क्या है, तो फोर्स निकालना है, मास इनटू एक्सेलरेशन चाहिए। ये कहाँ से आएगा? उसके लिए हमको जाना होगा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला में, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो वहाँ से निकालेंगे, उसका वैल्यू इसमें डालेंगे, इस प्रकार से फोर्स निकलेगा। यानी दो फॉर्मूला का यूज हो गया नहीं। और उसके बाद क्या, तो कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करना है, हर स्टेप पर नहीं करना है, ठीक है। जैसे इसमें आपको डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्टेंस वाला नहीं है, इसमें डायरेक्ट फोर्स वाला है। फोर्स इज इक्वल टू कितना, एम ए, डायरेक्ट निकल जाएगा आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या, एम यू। दूसरा क्वेश्चन में आएगा एम कितना, 70, ठीक है। एम आपके पास कितना है, 70 ग्राम। 70 ग्राम बराबर कितना, 70 बाई कितना, 1000 kg। और एक्सेलरेशन बराबर क्या, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा आपका वी माइनस यू बाई टी, वी माइनस यू अब बाई कितना टी। सब चीज आपके पास है, ये आपका हो गया 0.07 × 0.0 − 0.5। और टाइम कितना है आपका, 0.5, यानी या माइनस आ जाएगा, यानी −0.07 न्यूटन। यानी फोर्स आपका आ गया निगेटिव। इसका मतलब क्या, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलेंगे, रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। अब हम इतना टाइम हुआ, एक क्वेश्चन क्या छोड़िए, अब इतना ही पर रहने दीजिए। हम एक एस वाला जो बताना चाह रहे थे, जिसके बारे में बोले, तो भी एग्जाम्पल हमको देना था, लेकिन एग्जाम्पल नहीं दे पाए। आगे अब देखा जाएगा। जय माँ बंगला मुखी।